अंकल जी पानी कितना? चुल्लू भर पानी दे दीजिए ताकि उसमें डूब जाए। कच्चा बनियान, तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। जब से अंगूरी और हमारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक हम आपके खानदान के खामोशी से जुम सहते आ रहे हैं, लेकिन आज तो हद ही कर दी आपके खानदान ने। एक तरफ हमारे और अंगूरी की शादी का ड्रामा रचा और फिर उस बुढ़िया ने, उस खूसट बुढ़िया ने हमें सिरे से रिजेक्ट कर दिया। कच्चे बनियान, मेरी माँ के बारे में तमीज से बात करो। एक शब्द उल्टा सीधा बोला तुम। चिलैक्स 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 जस्ट चिलैक्स, टेक इट इजी। आप इतने अच्छे मौके पर आप क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं? अरे काय का अच्छा मौका, उस बुढ़िया ने आपको पसंद कर दिया, उस खुशी की बात कर रहे हैं आप? नारी जी, आप बहुत छोटी तबीयत के आदमी हैं, आपकी जो सोच है बहुत छोटी। आई सेड गॉड, मैं इस खुशी की बात कर रहा हूँ कि दादी आई हैं, अंकल जी आए हैं, लेट्स सेलिब्रेट देयर होम कमिंग, और आप ये बात कर रहे हैं। सेलिब्रेट देयर होम कमिंग, हमारे लिए तो मातम लेकर आए हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। के पैदा किए थे वो बैल को, वो बुढ़िया ने देखते ही सड़ा सा मुंह बना के रिजेक्ट कर दिया हमारे बैल को। अरे अम्मा जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तिवारी जी का है। अरे कोई ड्रेस सेंस नहीं है, कोई लुक सेंस नहीं है, कुछ भी रंग बिरंगे अतरंगे से कपड़े पहनकर आ जाते हैं, सस्ता सा परफ्यूम लगाते हैं, इतनी बुरी गंध आती है ना, पूरा मूड खराब हो जाता है। गोरी बिटिया, तुम तो की पड़ोसन हो ना, तुमको तो सिखाना चाहिए उनको, हैं? अरे अम्मा जी, कितनी बार मैंने तिवारी जी से कहा है, तिवारी जी प्लीज ग्रो अप, प्लीज ग्रो अप, पर उन्हें देखिए चमेली का तेल लगाते हैं। अरे इस जमाने में लड़के जेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, बताइए चमेली का तेल कौन लगाता है? इस चमेली का तेल लगाने का आदत ना उनको पंडित रामफल से आया है। अरे आंटी जी, एक दिन मैंने तिवारी जी से कहा, तिवारी जी मूछें हटाइए, जरा अपना लुक चेंज कीजिए, उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं नहीं, मूछें तो मर्दों की निशानी होती। अब बताइए, जिन मर्दों की मूछें नहीं होती क्या वो मर्द नहीं होते? अब विभू की मूछें नहीं है तो क्या वो मर्द नहीं है? आसमी, ई गुण भी उबैल में ना पंडित रामफल से ही आया है। पंडित रामफल तो हमेशा कहते हैं कि मूछ जो है वो मर्द का शान होता है। ये पंडित रामफल है कौन? ये कोई स्टाइल गुरु है या कोई स्टार है जिन्हें तिवारी जी फॉलो करते हैं? मैं तो कहती हूँ इस पूरी घटना के जिम्मेदार पंडित रामफल ही हैं। हाँ वो तो है, वो का हुआ था ना, वो दिन बहुत बारिश हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पंडित रामफल, उनकी वजह से तिवारी जी ग्रो नहीं कर पाए, इसीलिए वो आज फेल हो गए और इसी वजह से मेरा सिंदूर खतरे में आ गया। मुझे पंडित रामफल का आप एड्रेस देंगी ना तो मैं उनकी बैंड बजा दूंगी। नहीं नहीं बिटिया, पंडित रामफल का बैंड नहीं बजाना, उनको कुछ नहीं कहना है। अम्मा जी क्या हुआ बहुरिया? थोड़ा धीरे बोलिए अम्मा जी, हमारी दादी है। हाँ तुम्हारी दादी है तो क्या करे, वो तो हमारी बिटिया को हमसे छीन रही है, हमरा तो जी में आता है कि उनका गला दबा दें। नहीं नहीं अम्मा जी, सुना ही बोलिए, वो मेरी दादी है। आई लिए तो चुप बैठे हैं ना बिटिया, हमरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम का करें, हमरे भी कछु नहीं समझ आ रहा है कि का करें। आंटी जी डोंट वरी, हमने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया। क्यों रे नल्ले, ऐसा कौन सा घी पिलाया है वो बुढ़िया को जो तुमको पसंद कर ली हो? आंटी जी अगर मैं सीधे बैठी लदी मत ना, अगर मैं हैंडसम हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? इट्स नॉट माय फॉल्ट।
हैंडसम बड़ा आया। अम्मा पहले पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। तू तो बीच में बोलना ही नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बेचारी हमारी बहुरिया हमको पराई लगने लगी है। नहीं नहीं अम्मा जी, आपके लिए हम कभी भी पराए नहीं होंगे। आने जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब हमारी बात सुनिए, हम लोगों ने एक फूल प्रूफ प्लान बनाया है। कहाँ प्लान बनाया है, बको जल्दी से। अतिका, तेरी भाभी आ रही। ऊंचे थंडर वाली तेरो नाम तो बता, जो शाम गुजारेंगे ऐसी शाम तो बता, नाम तो बता। अरे ये गालन पे इतने झापड़ पड़ चुके हैं कि जगह सुन रह गई है, इनको कोई असर ना है तो। ओ भैया, एक कप चाय भी लियो, बैजे कल को ले लियो। बटन भैया, कड़की चल रही है का? क्या बताऊं भैया, जब से कंजूस मनमोहन तिवारी के खोखे पे काम करना शुरू किया है ना, तो कमबख्त कड़की से याराना सा हो गया यार। लेकिन ये तो बता, तेरे कितने पैसे है रे तिवारी भैया पे? यार पूरे 50,000 रुपए हैं यार। अच्छा भैया, तुम दोनों तो इस मोहल्ले के बहुत ही घटिया आदमी हो यार, तुम ही कोई ऐसा आइडिया बताओ जिससे कि मैं कंजूस सेठ के जबड़े से पैसे निकाल लूं अपने। यार सारे ना पानी में भिगो के जूता मार दियो। ऐसा है, तू बाकी घर से चोरी कर ले रात को। ऐसा है भैया, इस आइडिया की बत्ती बना के ना तू पीछे वाली जेब में डाल ले। अबे मैं मेरे पैसे मैं ही चोरी कर लूं यार, है और पकड़ा जाऊं तो जेल की हवा खाऊं। तो भैया ऐसा है, जेल ही जाओगे ना ससुर, युगांडा थोड़ी जाओगे। अरे दादा। अरे दरोगा जी, तुम ही तनख्वाह दिला दो, बोलो कितना निछावल लोगे। किल्लू बेटा ऐसा है गो, तुम्हारा जो जो ससुर मालिक है ना, वो अपने आप में इतना कमीनू है गो कि बाकी मुंह से तुम्हारी तनख्वाह निकाल लूं, ऐसा है जैसे शेरनी को दूध काटनू जैसो। जय बात तो ठीक है यार। भाभी जी, कैसा लग रहा है आपको? भाभी आपको तो बहुत ही बुरा लग रहा है। ऐसा ना कहिए प्लीज, आप मेरे होने वाली बीबी हैं। क्या बोले? मतलब ऐसा शो कीजिए कि आप मेरी होने वाली बीबी हैं। भाभी जी, आप चेहरे पे जरा मुस्कुराहट लाइए, नहीं तो दादी जी को शक हो जाएगा। भाभी जी, ये बबूती जी अंगूरी के कान में क्या खुसर पुसर कर रहे हैं? अब आप क्या विभू पे शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहे हैं भाभी जी, मर्द जात है ना, क्या पता कब नियत बदल जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर अभी विभू की जगह आप होते और अंगूरी जी की जगह मैं होती तो क्या आपकी नियत भी डोल जाती? तो भाई अब देखिए, अम्मा जी कह रही हैं कि घर में शादी हो रही है तो पूरे रस्म व रिवाज के साथ होनी चाहिए, और सबसे पहले जो हम रस्म करेंगे वो लेडी संगीत की करेंगे। अब अनीता जी, क्या है कि आपके भाई की शादी है और आप एकदम चुपचाप बैठी हैं, जबकि आपके भाई की शादी है तो आपको चाहिए कि आप खूब जोश खरोश के साथ, खूब हंगामे के साथ शादी में भाग लें। तो भाई अब देखिए, अम्मा जी कह रही हैं कि घर में शादी हो रही है तो पूरे रस्म व रिवाज के साथ होनी चाहिए, और सबसे पहले जो हम रस्म करेंगे वो लेडी संगीत की करेंगे। अब अनीता जी, क्या है कि आपके भाई की शादी है और आप एकदम चुपचाप बैठी हैं, जबकि आपके भाई की शादी है तो आपको चाहिए कि आप खूब जोश खरोश के साथ, खूब हंगामे के साथ शादी में भाग लें, क्योंकि ये आपके भाई की शादी है, और क्योंकि ये आपकी भाई की शादी है। बस अंकल बस, आपने कह दिया ना भाई एक बार, बार बार क्यों बोल रहे हैं, मैंने सुन लिया। हाँ ठीक है, नहीं मैं मतलब आपको बता रहा था कि आपको याद करा रहा था कि आपके भाई की शादी है। तो फिर शुरू किया जाए। मैं चाहूंगा सबसे पहले कि लड़के की बहन और लड़की का भाई वो बीच में आए और नाच गाना शुरू करें। अरे चाचा, लेकिन वो लड़की को भाई पुत्तन, वो तो जेल में है ना, हाफ मर्डर के केस में। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।